1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल। पितृपक्ष पूजन प्राचीन काल से चली आ रही वो पूजा है जो कि पितरों को यानी अपने पूर्वजों को खुश करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है। पितृपक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष का उल्लेख महाभारत और गरुड़ पुराण तक में है। भगवान श्री राम ने भी गया में अपने पितरों के तर्पण यानी उन्हें तृप्त करने के लिए अन्न और जल प्रदान किया था। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान देह त्याग कर परलोक गए पूर्वजों को यमराज मुक्त कर देते हैं ताकि वो पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से तर्पण ग्रहण कर सकें और उनकी आत्मा को तृप्ति मिल सके। इस दौरान ये सभी पूर्वज अन्न एवं जल ग्रहण करने की इच्छा से अपनी संतानों के पास आते हैं। अन्न और जल ग्रहण करने से मिले बल से फिर वो परलोक तक की यात्रा को तय कर पाते हैं और उनकी आत्मा को तृप्ति मिल पाती है। पितर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों को भरपूर आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करते हैं। तो चलिए हम भी जानते हैं कि पितृपक्ष का पूजन कैसे किया जाता है। पितृपक्ष पूजन के लिए लगने वाली सामग्री में आपको चाहिए 2 परात या प्लेट, काले तिल, दूध, गंगाजल, कूस जिसे दर्भ भी कहते हैं और कुछ पुष्प। पितृपक्ष पूजन में पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण की विधि की जाती है। तर्पण की विधि में पितरों को तिल और जल अर्पण किया जाता है। पर ध्यान रहे, पितृपक्ष पूजन केवल उन्हीं को करना चाहिए जिनके माता अथवा पिता या दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। अन्य किसी को भी तर्पण नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तर्पण किया जाता है। आप नदी या तालाब के पास या अपने घर में भी तर्पण की विधि कर सकते हैं। स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान का स्मरण कर लें। हे गणपति बप्पा, आप विघ्नहरण हैं। आज की पूजा निर्विघ्न संपन्न हो ऐसी कृपा करें। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। भगवान गणपति के आवाहन के बाद श्री शालिग्राम भगवान की पूजा कर लें। वो शालिग्राम भगवान ही हैं जो मुक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी पूजा करना बड़ा ही अनिवार्य है। चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लें, पान का पत्ता रखकर उस पर भगवान विष्णु की स्थापना करें। विष्णु भगवान को चंदन का टीका लगाएं, उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और तिल और फूल अर्पण कर दें। भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वसुदेवाय का जाप निरंतर करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके उपरांत 3 बार गंगाजल ग्रहण करके आचमन कर लें। दिया जलाकर विष्णु भगवान के सामने रख लें। अब दोनों परात अपने सामने रख लें। परात पीतल या कांस्य के हों तो वो इस्तेमाल करें,
ना हो तो आप किसी भी तरह के परात ले सकते हैं। इसमें से एक परात को शुद्ध जल से भर लें। और उसमें थोड़ा सा गंगाजल, थोड़ा सा दूध और थोड़े से काले तिल और फूल मिला लें। उसको कुछ इस प्रकार गांठ लगा लें। जल अर्पण करने से पहले अपने सभी पितरों से प्रार्थना करें कि वो आकर के जल ग्रहण करें। अब आप इस कूस को अपने दाहिने हाथ में इस तरह से रख लें और दोनों हाथ से जल को लें और दूसरी परात में इस तरह से डाल दें। ऐसा आपको 3 बार करना है। और ये विधि करते हुए हमें अपने पितरों का नाम स्मरण करना है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं अपनी दादी का तर्पण कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा, मैं अपनी दादी स्वर्गीय कमला देवी जी की आत्मा की तृप्ति के लिए तिल और जल अर्पण कर रहा हूँ, और फिर तस्से सौदा नमः ये कहते हुए जल दूसरे परात में डाल दूँगा। तस्से सौदा नमः, तस्से सौदा नमः, तस्से सौदा नमः, तस्से सौदा नमः। एक बात का ध्यान रहे, स्त्री के तर्पण के लिए तस्से सौदा नमः कहते हैं और पुरुष के तर्पण के लिए तस्मे सौदा नमः। इसी विधि से जितने भी पितर हैं उनकी मृत्यु की तिथि के अनुसार उस दिन तर्पण करें। जिनकी तिथि नहीं पता हो उनका तर्पण अमावस्या के दिन करें। अपने 2 से 3 पीढ़ी तक के पितरों के लिए ही तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख एवं शांति बनी रहती है और कष्टों का भी निवारण हो जाता है। कुछ लोग देवताओं और ऋषियों को भी तर्पण देते हैं। याद रहे, देवताओं को केवल एक ही बार तर्पण दिया जाता है और ऋषियों को 2 बार। तर्पण की विधि हो जाने के बाद पूजा स्थल पर काले तिल छोड़ दीजिए और पितरों से क्षमा याचना भी कर लें। हे पितृ देवी देवताओं, ये तिल और जलांजलि ग्रहण कीजिए और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जाने अनजाने यदि हमसे कोई भूल हो गई हो या कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें। हर तर्पण संपन्न हो जाने के बाद पहले गाय को रोटी खिला कराएं और उसके बाद ही कुछ खाएं। तो ये थी तर्पण की विधि जो हमें पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए ज़रूर करनी चाहिए। इन 15 दिनों में ही जो अन्न जल वो ग्रहण करते हैं वही उन्हें फिर 1 वर्ष तक तृप्त करके रखता है। 15 दिन के तर्पण के आखिरी दिन या पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार चावल, दूध, घी, शक्कर, दही और काले तिल को मिलाकर के एक पिंड तैयार किया जाता है और उसे भी पितरों को अर्पण किया जाता है। तर्पण करते वक्त मन में श्रद्धा का भाव रखें जिससे कि पितृ प्रसन्न हो, हमें आशीर्वाद दें और हमारा मंगल हो सके। पितृ पक्ष में तर्पण, दान इत्यादि करने से पितरों के आशीर्वाद से आयु में वृद्धि होती है, धन का लाभ होता है और यश एवं कीर्ति की प्राप्ति होती है।